नौ दिनों के शारदीय नवरात्रि के बाद दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार दशहरा पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशवीं तिथि पर मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा यानी विजयदशमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे भारत में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उसके चंगुल से आजाद किया था। तभी से हर साल दशहरा यानी विजयदशमी के दिन लोग रावण के पुतले का दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशवीं तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से होगी और अगले दिन इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर होगा। उदया तिथि 24 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए दशहरे का त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 24 अक्टूबर को मंगलवार दोपहर 2:05 से 2:51 तक पूजा का मुहूर्त है। हिंदू धर्म में दशहरा के पर्व का खास महत्व होता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था, तो वहीं एक और अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया, इसलिए इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। दशहरा की पूजा विधि की बात करें तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और इसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा करें। इस दिन गाय के गोबर से 10 गोले बनाए जाते हैं और इन गोलों के ऊपर जौ के बीज जलाए जाते हैं। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाकर पूजा करते हैं और इन गोलों को जला देते हैं। मान्यता है कि रावण के 10 सिर की तरह ये गोले अहंकार, लोभ, लालच का प्रतीक होते हैं और अपने अंदर से इन बुराइयों को खत्म करने की भावना के साथ ही ये गोले जलाए जाते हैं।